नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। तो अनअकैडमी पर दोस्तों आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही साथ आप लोग टैट और सी टैट की पूरी तैयारी के लिए प्लस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको हमारा कोड यूज करना है स्टडी पॉइंट 144, ठीक है। तो इसमें जो प्लस कोर्स है आपका, इसके अंतर्गत आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सी टैट और टैट का, चाहे आप लोग किसी भी राज्य के हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे संस्कृत भाषा की। संस्कृत भाषा में लिंग कितने होते हैं अब आपको बताना है भाई। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर्वनाम, विशेषण, लिंग और वाच्य से संबंधित पूछे जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो संस्कृत भाषा में जो लिंग होते हैं वो तीन होते हैं, आप सभी को पता है और आपका आंसर भी यही आया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन रहा है कि वे संज्ञा और सर्वनाम जो पुरुष, स्त्री एवं दोनों के न होने का बोध कराते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा आपका। इसको हम लोग लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं। जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुल्लिंग। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा राम है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें पुल्लिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कन्या होगा सही आंसर, सी ऑप्शन। वैसे दोस्तों अभी तक 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं तो 5 में से 5 नंबर आपके अभी तक सटीक ही बैठे होंगे। वीडियो लाइक कीजिएगा पसंद आए तो, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न आपका होगा, देव और असुरवाची शब्दों को गिना जाता है। देव और असुरवाची शब्दों को किस में गिना जाता है, ये जो है पुल्लिंग में गिना जाता है। इनमें से असुरवाची पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, असुरवाची पुल्लिंग शब्द इसमें से कौन सा होगा, ओके बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका, असुर है, ठीक है। अन से समाप्त होने वाले शब्द किस लिंग के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अन से समाप्त होने वाले शब्द किस लिंग के होते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिएगा आंसर क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सटीक हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अन से समाप्त होने वाला पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें से अन से समाप्त होने वाला पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। आंसर हो जाएगा राजन, राजन जो होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे क्या कहलाते हैं भाई, वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग के कहलाते हैं। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के आ रहे होंगे, सटीक आंसर। ये आपके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी अगर आप लोगों से नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनमें स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है, देखिए बालिका जो है वो डी ऑप्शन पर जाएगा, सटीक हो जाएगा। इनमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अब आपको चेक करना है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। पुष्पम, पुष्पम सही आंसर है। जिन शब्दों से पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, देखिएगा जिन शब्दों से पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध नहीं होता वो आपके नपुंसक लिंग कहलाते हैं। इनमें नपुंसक लिंग का उदाहरण है, दोस्तों बिल्कुल बेस है ये संस्कृत का, नपुंसक लिंग का उदाहरण कौन सा होगा, देखिएगा ज्ञानम, ज्ञानम सही आंसर होगा। इनमें नपुंसक लिंग का उदाहरण नहीं है, नपुंसक लिंग का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर हो जाएगा डी नंबर, देव है, आंसर होगा डी नंबर। देख
देखिए दोस्तों, नपुंसक लिंग की बात करें अगर संस्कृत में हम लोग, जिनके अंत में अकारांत जो होता है वो लय होता है, ठीक है, लय हो वे आपके नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे कि आपका हो गया कूलम, कूलम हो गया आपका, ठीक है, कूलम जो होता है वो तट होता है, तट। एक होता है आपका कुलम, कुलम एक होता है, ये होता है वंश, ठीक है, ये होता है आपका वंश, है ना। जलम हो गया, मलम हो गया, बलम हो गया, हलम हो गया, स्थलम हो गया, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, ये आपके नपुंसक लिंग में आते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा आप लोग, दोबारा से बता रहा हूँ आप लोगों को, कूलम, कुलम, जलम, मलम, बलम, हलम, स्थलम, ठीक है, ये काय के होते हैं, ये आपके आते हैं नपुंसक लिंग में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्रिया विशेषण शब्द प्राय किस लिंग के होते हैं? क्रिया विशेषण की बात हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 16, सही आंसर आपका होगा सी नंबर, नपुंसक लिंग के होते हैं। इनमें से नपुंसक लिंग का उदाहरण क्या है? ध्रुवम सही आंसर हो जाएगा। त्व, कृतय और प्रत्यंत शब्द जो है किस लिंग के होते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, ये होते हैं नपुंसक लिंग के, ठीक है, किसके होते हैं? ये नपुंसक लिंग के होते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में भी आप लोगों का आंसर यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। माधुर्यम में लिंग कौन सा है? माधुर्यम में लिंग कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 19, नपुंसक लिंग होगा। नपुंसक लिंग के मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिएगा, दो स्वरों वाले मन प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो भी आपके नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे कि चर्मन जो हो गया, ये भी आपका नपुंसक लिंग होगा। कर्मन होगा, ये भी आपका नपुंसक लिंग होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नृपः ब्रह्मांड्यः है गाम ददाति, यहाँ कर्ता में लिंग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 में, तो इसमें हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा इसका सही आंसर। गुड, वेरी नाइस। संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या कितनी है? संस्कृत भाषा में वचनों की संख्या 3 है। इनमें से वचनों में नहीं गिना जाता भाई, किसको नहीं गिना जाता? सीधा सा आंसर होगा भाई इसका, बी नंबर, नारद को वचन नहीं गिना जाता। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, जो जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। इनमें से द्विवचन का रूप क्या है? इनमें से द्विवचन का रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए बालिके सही आंसर हो जाएगा। इनमें एक वचन का रूप कौन सा होगा? चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। पुष्पम सही आंसर हो जाएगा। एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्द में वचन कौन सा होता है? एक वचन होता है, एक वचन। इनमें से एक वचन का उदाहरण नहीं है भाई, इनमें से एक वचन का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है भाई? डी नंबर नहीं है, बालिकाः। बालिकाः आंसर हो जाएगा, डी नंबर। इनमें से एक वचन का उदाहरण कौन सा होगा? 27 में देखिए, मित्रम जो होगा वो एक वचन का उदाहरण होगा। राम है विद्यालम गत्वा पुस्तकम पठति, यहाँ कर्म पुस्तकम में वचन कौन सा होगा? कर्म पुस्तकम में देखिएगा एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समुदाय में वचन कौन सा है? समुदाय में आपका एक वचन हो जाएगा। समुदाय देखिएगा बहुवचन होगा दोस्तों, समुदाय जो होता है बहुवचन होता है, ऐसा नहीं है कि समुदाय में एक ही व्यक्ति निवास करता हो। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की संख्या के बोधक शब्द कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 30, इसका हो जाएगा वचन। तो 30 में से आपका स्कोर दोस्तों मेरे ख्याल से 30 में से 30 ही रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे और आप लोगों ने अच्छे से किए होंगे, ठीक है। आई होप दोस्तों वीडियो में मज़ा आया होगा आप लोगों को। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।